नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मत्स्य पालन के बारे में। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और रोजगार की तलाश में बैठे हैं तो आपके लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसके लिए आपको पैसे खर्चने की जरूरत भी नहीं होगी और आपका व्यापार भी लग जाएगा। इतना ही नहीं, इस रोजगार को लगाने के लिए सरकार सामने से आकर आपको खुद ही पैसे भी देने वाली है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से नीली क्रांति की शुरुआत की गई है। मछलियां पर्यावरण को संतुलित रखने में विशेष उपयोगिता रखती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका अहम उद्देश्य देश की मत्स्य पालन की क्षमता के अधिकृत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, स्थिरता, जैव सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मछुआरे और मत्स्य किसानों की आय की स्थिति को सुधारना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश के इच्छुक किसानों से आवेदन की मांग की है। इसके साथ ही जो किसान भाई मछली पालन पर सब्सिडी चाहते हैं, आवेदन आसानी से कर सकते हैं, जिसके फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन का माध्यम जारी किया गया है। मत्स्य निदेशालय बिहार की तरफ से जारी किए गए फॉर्म को आपको भरना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। हालांकि अभी यह योजना केवल बिहार राज्य की किसानों के लिए ही शुरुआत की गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि इस मिशन का अहम उद्देश्य क्या है। तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार की ये मंशा है कि नीली क्रांति मिशन योजना का गठन देश के अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन को पूरी क्षमता के दोहन के लिए इसे एक पेशेवर आधुनिक विश्व स्तरीय उद्योग के रूप में विकसित करना है, जिससे कि देश के मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसके साथ ही मछली पकड़ने के उद्योग की स्थिरता को सक्षम करने के लिए जैव सुरक्षा और पर्यावरण संबंधित चिंताओं का समाधान भी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्र दोनों में देश की कुल मछली की क्षमता को पूरी तरह से टैप करने और उत्पादन को तीन गुना करने के लिए है। नई तकनीकों और प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ मत्स्य उद्योग को एक आधुनिक उद्योग के रूप में बदलना, ई कॉमर्स और अन्य प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम नवाचार, शीत उत्पादकता और बेहतर विपणन के बाद के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ मछुआरों को मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना, आय बढ़ाने में मछुआरों और मछली किसानों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना, सहकारी उत्पादक कंपनियों और अन्य संरचनाओं में संस्थागत तंत्र के माध्यम से फिशर और मत्स्य किसानों को लाभ के प्रवाह पर ध्यान देने की साथ साथ 2020 तक निर्यात आय को तीन गुना करना है। देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा को भी बढ़ाना इसका अहम उद्देश्य है। अब हम आपको बताते हैं कि मछली पालन के लिए सरकार की तरफ से आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो इस सभी योजनाओं में सब्सिडी अलग अलग है। इसके लिए योजना और लागत को देखा जाएगा, लेकिन सभी योजना पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है, वो 50,000 से लेकर 20,00,000 रुपए तक की है। मछली पालन काफी आसान है, जिसमें आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। और अब तो सरकार ने इसके लिए एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7,00,000 रुपए का मत्स्य विभाग अनुदान देने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नया तालाब खुदवाने वाले ST SC वर्ग के किसानों को 70% तक अनुदान देने का प्रावधान पेश किया गया है। इसके साथ ही अब चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग उन्हें भी बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ पाने के लिए बस किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर जमीन के रकबा की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही मिला तो आवेदन को चयनित कर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना को जोड़ते हुए मत्स्य पालन की तरफ से किसानों को या प्रवासी बिहारियों को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। अति पिछड़ा वार्ड को तो सरकार ने और ज्यादा राहत देने की पहल शुरू की है, जिसके तहत अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90% तक अनुदान देने का काम किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उन्हीं लोगों को सरकारी अनुदान की सहायता मिलेगी जिनके पास कम से कम 9 साल का अग्रीमेंट होगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास कुछ कागजात का होना जरूरी है, जिसके तहत जिला मत्स्य विभाग को आवेदन करने के साथ ही आवेदन के साथ जमीन के कागजात की छायाप्रति देना अनिवार्य है। इसके बाद ही 2 हेक्टेयर में नया तालाब बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 7,00,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। ST SC वर्ग के आवेदक को मिलेगा 70% अनुदान। हालांकि ध्यान रहे, जमीन का निरीक्षण करने के बाद ही विभाग इसकी स्वीकृति देगा। अप्रैल महीने से लाभ प्राप्त करने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत चयनित मत्स्य पालकों में से 30 का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किए जाने का काम भी किया जाना है। मत्स्य पालन के लिए आपको सही समय का ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। पहली तिमाही अप्रैल, मई और जून का महीना उपयुक्त तालाब का चुनाव, नए तालाब के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन, मिट्टी पानी की जांच, तालाब सुधार निर्माण हेतु मत्स्य पालक विकास
उपकरणों के माध्यम से तकनीकी और आर्थिक सहयोग लेते हुए तालाब सुधार निर्माण कार्य की पूर्णता अवांछनीय जलीय वनस्पति की सफाई 1 मीटर पानी की गहराई वाले 1 हेक्टेयर के तालाब में 25 क्विंटल मछुआ की खली के प्रयोग के द्वारा अथवा बार बार जाल चलवाकर अवांछनीय मछली की निकासी उर्वरा शक्ति की वृद्धि हेतु 250 किलोग्राम चूना तथा सामान्यतः 10 से 20 क्विंटल हेक्टेयर मास गोबर की खाद का प्रयोग दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त एवं सितंबर का महीना मत्स्य बीज संचय के पूर्व पानी की जांच तालाब में 25 से 50 मिलीमीटर आकार के 10,000 से 15,000 मत्स्य बीज का संचय पानी में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन की गोबर की खाद के प्रयोग के बाद 15 दिन बाद सामान्यतः खादों का प्रयोग तीसरी तिमाही अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का महीना मछलियों की वृद्धि दर की जांच मत्स्य रोग की रोकथाम हेतु सीफेक्स का प्रयोग अथवा रोगग्रस्त मछलियों का पोटेशियम परमैंगनेट या नमक के घोल में डालकर पुनः तालाब में छोड़ना पानी में प्राकृतिक भोजन की जांच पूरक आहार दिया जाना ग्रास कॉर्प मछली के लिए जलीय वनस्पतियों का प्रयोग उर्वरक का प्रयोग चौथी तिमाही जनवरी फरवरी एवं मार्च का महीना बड़ी मछलियों की निकासी एवं विक्रय बैंक के ऋण किश्त की अदायगी 1 हेक्टेयर के तालाब में कॉमन कॉर्प मछली के लगभग 1500 बीज का संचय पूरक आहार दिया जाना उर्वरकों का प्रयोग सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि का जिक्र करें तो अगर नया तालाब का खर्च 7 लाख प्रति हेक्टेयर है तो आपको अनुदान के रूप में 6.30 लाख की राशि मिलेगी चनौर एरिया में तालाब बनाने में 5 लाख का खर्च है तो आपको अनुदान के रूप में 4.50 लाख की राशि मिलेगी रियरिंग तालाब बनाने में खर्च 6 लाख का आता है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार आपको 5.40 लाख की अनुदान राशि देगी फिश फीड मील बड़ा 1 करोड़ रुपए के खर्च के लिए आपको 90 लाख की अनुदान राशि मिलेगी हेचरी निर्माण पर खर्च 22 लाख है तो 19.80 लाख की अनुदान राशि मिलेगी फिश फीड मिल छोटे में 10 लाख रुपए का खर्च आएगा मगर अब सरकार आपको 9 लाख की अनुदान राशि देगी जलाशय में केज 3 लाख प्रति केज के खर्च के लिए सरकार की तरफ से 2.90 लाख की राशि दी जाएगी ट्यूबवेल कराने पर खर्च 50,000 इसके लिए सरकार 25,000 खर्च करेगी वहीं पंप सेट के लिए खर्च 25,000 के लिए सरकार आपको 12.50 खर्च की राशि अनुदान के रूप में मुहैया करवाएगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद।